दोस्तों, आज भी हम आपके लिए बहुत दिलचस्प कहानी लाए हैं। मोमिल अपने शोहर के साथ इस छोटे से घर में हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही होती है। मोमिल और इसका शोहर दोनों आदत के बहुत अच्छे थे। सुबह का वक्त मोमिल अपना और अपने शोहर का नाश्ता बना के लाती है। ये ले जनाब, नाश्ता करें। अच्छा, वो मैंने आपसे पूछना था कि वो हमारे घर के साथ जो खाली घर पड़ा था वहाँ कल से कुछ लोग शिफ्ट हुए हैं, दोनों मियाँ बीवी ही हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं उनके घर से हो आऊँ? ठीक है, चली जाना, और कुछ मदद की भी जरूरत हो तो उनकी मदद भी कर देना। ठीक है, मैं घर का काम खत्म करके जाती हूँ। ठीक है, चलता हूँ, दरवाजा बंद कर लो। मोमिल का शोहर नाश्ता करके अपने काम पर चला जाता है। मोमिल भी घर का काम खत्म करके पास वाले घर में आ जाती है जहाँ वो नए लोग शिफ्ट हुए होते हैं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी आ जाए, लेकिन आप हैं कौन? भाई, मैं आपके पास वाले घर से आई हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप हमारे हमसाए हैं। जी जी, जब मैंने सुना कि इस घर में नए लोग शिफ्ट हुए हैं तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मिलती आऊँ। भाई, आप अकेले हैं इस घर में? लेकिन मैंने तो सुना था कि मियाँ बीवी इस घर में शिफ्ट हुए हैं। जी बहन, आपने सही सुना। जी, मेरी बीवी भी है और एक प्यारी सी छोटी सी बेटी भी है। वो दोनों अंदर किचन में काम कर रही है। मैं बुलाता हूँ उन्हें। अबीरा अबीरा, बाहर आओ, मुन्नी को भी साथ ले आओ। उसकी बीवी अबीरा किचन से बाहर आ जाती है और साथ उसकी छोटी बेटी भी होती है। मोमिल उन सब से मुलाकात करके कुछ देर वहाँ घर में बैठती है और फिर घर वापस आ जाती है। और रात को जब मोमिल का शौहर घर आता है तो उसे भी इनके बारे में बताती है। रात का खाना खाकर दोनों मियां बीवी सो जाते हैं। सुबह जब मोमिल और इसका शौहर नाश्ता करके फारिग हो जाते हैं तो मोमिल का शौहर काम पर जाने लगता है तो अच्छा मोमिल, मैं काम पर जा रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर लो। अरे ये क्या, घर के बाहर इतना कचरा। अरे मोमिल मोमिल, तुमने ये घर के बाहर इतना कचरा क्यों फेंका है? कचरा? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने तो कोई कचरा नहीं फेंका, मैंने तो अंदर से भी और बाहर से भी सारा घर कल साफ किया था, सारी सफाई की थी। अच्छा अच्छा, साफ करो इसे, सफाई का ख्याल रखा करो। अच्छा, मैं जा रहा हूँ काम पर। आखिर ये कचरा आया कहाँ से? मैंने तो सारी सफाई की थी। मोमिल सारी फिर से सफाई करती है और पास वाले घर में अबीरा और इसकी छोटी बेटी ये सारा मंजर देखकर मुस्कुरा रही होती हैं और मोमिल से पूछती हैं आकर, मोमिल के घर आकर उसके पास आकर उससे पूछती हैं, मोमिल क्या हुआ, परेशान लग रही हो? हाँ आंटी, आप परेशान लग रही हैं, क्या हुआ? परेशानी वाली बात तो है ना, ये देखो अबीरा न जाने किस तरह इतना ज्यादा कचरा हमारे दरवाजे के आगे, कल ही मैंने सारा बाहर से साफ किया था। अच्छा, मैं तो समझी कि ये सारे का सारा कचरा तुमने खुद फेंका है। मम्मी लांती, ये कचरा तो मुन्नी, चलो घर, तुम्हारे खाने का टाइम हो रहा है, चलो चलो चलो, जल्दी चलो। अबीरा जल्दी से मुन्नी को वहाँ से घर ले आती है। मम्मा, आपने मम्मी लांती से झूठ क्यों बोला? वो कचरा तो आपने रात को फेंका था ना। मुन्नी तुम चुप कर जाओ, बड़ों की बातों में तुम ना बोला करो। उस वक्त तो वो मुन्नी को चुप करा देती है। दिन गुजरते जाते हैं लेकिन अबीरा के झूठ बोलने की आदत बरकरार रहती है। वो झूठ बोलना नहीं छोड़ती और इसके झूठ बोलने का असर उसकी बेटी मुन्नी पर भी पड़ता है। मुन्नी अक्सर मोमिल के घर खेलने चली जाया करती थी। शाम हो गई थी, मुन्नी अभी तक घर वापस नहीं आई थी तो अबीरा मुन्नी को वापस लाने के लिए मोमिल के घर जाती है। मुन्नी मुन्नी, अरे तुम यहाँ बैठी हो, अभी तक यहीं पे खेल रही हो, शाम हो गई है, मैंने तुम्हें कहा था भी कि थोड़ी देर तक खेलकर घर आ जाया करो। अरे वीरा खेलने दो, हमारे घर में भी रौनक लगी रहती है। अच्छा वीरा तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। तो मोमिल चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है। मम्मा ये देखो, ये पैसे मुझे मोमिल आंटी ने दिए हैं। मोमिल आंटी कह रही थी कि इसके बाहर से कोई खाने वाली चीज ले लेना। मुन्नी
इतने ज्यादा पैसे तुम्हें मोमिल आंटी ने दिए हैं? जी मम्मा, मुझे मोमिल आंटी ने ये पैसे दिए हैं। ये पैसे मुझे दो। नहीं मम्मा, ये मेरी है, मैं इसकी चीज लूंगी। मुन्नी, शोर नहीं करो, मुझे दे दो, हम किसी के घर में बैठे हैं, शोर क्यों कर रही हो? अबीरा मुन्नी को वहां से लेकर घर आ जाती है और मुन्नी से सारे पैसे भी ले लेती है। वो पैसे तकरीबन 4,000 थे और अबीरा समझ जाती है कि मुन्नी झूठ बोल रही थी कि मोमिल ने उसे ये पैसे दिए हैं, और वाकई मुन्नी झूठ बोल रही थी कि उसने ये पैसे मोमिल के घर से चोरी किए होते हैं। लेकिन अबीरा मुन्नी को कुछ नहीं कहती और वो पैसे भी अपने पास रख लेती है। मम्मा, मैं मोमिल आंटी के घर जा रही हूँ। मुन्नी, ये कूड़ा ले जाओ और सुनो मेरी बात, मोमिल के घर के बाहर रख देना और मोमिल आंटी को ना बताना कि ये कूड़ा हमने रखा है, ठीक है? मेरी बात सुन रही हो ना? मुन्नी ऐसा ही करती है और कूड़ा मोमिल के घर के बाहर फेंक देती है। मुन्नी को कूड़ा फेंकते हुए मोमिल देख लेती है और मुन्नी मोमिल के घर आकर वहाँ खेलना शुरू कर देती है। हम जितना भी झूठ बोल लें, लेकिन एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। अबीरा मोमिल के घर मुन्नी को लेने आ जाती है। मम्मा, आप फिर आ गई मुझे लेने, मैं आ जाऊंगी ना, अब जाओ। मोमिल आंटी कहाँ हैं? मम्मा, वो किचन में काम कर रही हैं। तो अबीरा मोमिल के पास किचन में ही चली जाती है और मोमिल किचन में काम कर रही होती है तो वो अबीरा चूल्हे के पास जाकर खड़ी होकर को पता भी नहीं चलता कि कब उसके दुपट्टे का पल्लू चूल्हे में लगी आग पर जा गिरता है और देखते ही देखते आग उसे अपनी लपेट में ले लेती है। मोमिल, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मोमिल मोमिल मुझे बचाओ, ये आग मुझे बार डालेगी। तो मोमिल उसे पूरी तरह बचाने की कोशिश करती है। मोमिल के बहुत कोशिश करने के बाद उसे आग को बुझाने में कामयाब हो जाती है। इसी दौरान मुन्नी भी वहां आ जाती है। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा को बचाओ, मेरी मम्मा को बचाओ, मोमिल आंटी, मेरी मम्मा को क्या हो गया? वो जल गई, उनका हाथ पूरी तरह जल गया। कुछ नहीं हुआ मुन्नी, कुछ नहीं हुआ मम्मा को, आपकी मम्मा ठीक है। मोमिल आंटी, मेरी मम्मा का हाथ सारा जल गया है, उनके कपड़े भी जल गए हैं। मोमिल आंटी, मुझे डर लग रहा है, मेरी मम्मा की तरह मेरे साथ भी ना कुछ हो जाए। मम्मा मम्मा को कुदरत की तरफ से सजा मिली है ना? मोमिल आंटी, मुन्नी चुप कर जाओ, तुम घर चलो, चुप कर जाओ। एक तो मेरा हाथ जल गया है, ऊपर से तुम ऐसी बातें कर रही हो, चलो मेरे साथ घर। रुक जाओ अबीरा, मुन्नी को बोलने दो, क्योंकि तुम तो सच बोलोगी नहीं। और इसी दौरान अबीरा का शौहर भी वहाँ मोमिल के घर पर आ जाता है और मुन्नी ये सब देखकर डर सी जाती है और सारा सच बता देती है। पापा, मोमिल आंटी, ये मोमिल आंटी के घर से मैंने पैसे उठाए थे और मम्मा को इस बात का भी पता था कि फिर भी उन्होंने ये पैसे मोमिल आंटी को वापस नहीं किए और घर ले गई। और पापा मम्मा ने आपसे भी झूठ बोला कि उन्होंने ये पैसे को जोड़ के रखे थे और वो मोमिल आंटी वो कूड़ा जो आपके घर के बाहर था ना, वो भी मम्मा ने फेंका था। वो मम्मा ने मुझे भी कहा था कि वो कूड़ा वहाँ पर फेंकाओ। मम्मा को इसी की सजा मिली है ना, मेरे साथ भी ऐसा ना हो, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ। शर्म करो, मेरी बीवी ऐसा करेगी, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और अपनी बेटी को भी झूठ की तरबियत दे रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अबीरा, मैं सब जानती थी, लेकिन
मैं ये सब तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। एतराफ तो तुमने अभी भी नहीं किया, सच तो तुमने अभी भी नहीं बोला। आप दोनों इस बच्ची की बातों पे आ गए, ये तो बच्ची है। चुप कर जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चलो घर तुम। मोमिल बहन, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, जो इसने आपके साथ किया ये मेरी बीवी कहलाने के लायक भी नहीं है। अबीरा गुस्से में वहाँ से अपने घर आ जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जितना भी झूठ बोलकर छुपा लें, एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। इसीलिए झूठ का दामन पकड़ने से बेहतर है कि सच्चाई का साथ दो, जिस तरह के मुन्नी ने दिया। जी तो नन्हे मुन्ने साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारी रोज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।